मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंडी में अवैध मस्जिद को तोड़ने का मामला सामने आया है। विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरेंगे लोग, हिंदू संगठनों के लोग। आज 11 बजे से शुरू होगा हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मंडी में प्रशासन ने लगा दी है BNSS की धारा 163। भारी संख्या में मस्जिद के पास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मंडी शहर की चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पुलिस वाले पूरे इस पहले तो मस्जिद को घेर रहे हैं, और उसके अलावा अगर मंडी शहर की बात करें तो उसे भी एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये एक और बड़ा चैलेंज पुलिस और प्रशासन के लिए होगा, क्योंकि जरा सा भी अगर किसी भी तरह से कोई भी अफवाह फैलती है तो समझिए हालात बद से बदतर होंगे। कम्युनल राइट्स की संभावना पैदा हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि सरकारें लगातार कोशिश करती रही हैं। राज्य सरकार भी सर्वदलीय बैठक बुला रही है, और ऐसे में विपक्ष भी सहयोग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पुलिस की पूरी पूरी कोशिश ऐसी है कि चप्पे चप्पे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए, जो शिमला में हालात हुए वैसे हालात ना हो। हालांकि शिमला में भी कड़ाई से निपटने की कोशिश की जा रही है उपद्रवी तत्वों से। मंडी से बड़ी खबर, अवैध मस्जिद को तोड़ने के मामले में विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हिंदू संगठन 11 बजे सड़कों पर उतरेंगे। मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर जो विवाद चला हुआ है वो हाल फिलहाल में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम इस वक्त उसी मस्जिद के बाहर खड़े हैं जिसे पिछले कल अवैध निर्माण के चलते जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनके द्वारा खुद ही जो है उसको तोड़ने का कार्य शुरू किया गया था। आप जो पिछले कल तोड़ा गया हिस्सा है उसे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और उसका कारण यही है कि हिंदू संगठनों की तरफ से आज एक बहुत बड़े आंदोलन और बहुत बड़े प्रदर्शन की जो है वो बात कही गई है, और इस बात को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। मस्जिद के पास इससे नीचे अगर हम बात करें 50 मीटर नीचे स्कोडी पुल है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है, और वहाँ पर ही सारी की सारी भीड़ को रोकने का जो है वो प्लान जो है वो पुलिस की तरफ से बनाया गया है। तकरीबन 200 से अधिक पुलिस जवान जो है वो पूरे मंडी शहर में जो है वो इस वक्त तैनात किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मस्जिद निर्माण को लेकर जो अवैध निर्माण की यहाँ पर बात कही गई थी उसको लेकर जो प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था उसके बाद इसे तोड़ तो दिया गया, लेकिन हिंदू संगठनों के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि इस मस्जिद में जो और भी अवैध तरीके से निर्माण हुआ है उसे भी जो है वो तोड़ा जाए या उस प्रकार के आदेश जो है वो जारी किए जाएँ। यही कारण है कि अब वो लोग जो है आज मंडी शहर में सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि 3 दिन पहले भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद ही फिर जो है इस प्रकार का आदेश जारी हुआ और यहां पर जो है वो कार्रवाई की गई, लेकिन अब वो इस कार्रवाई से हाल फिलहाल में संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि आज फिर से जो है यहाँ पर एक बहुत बड़े आंदोलन, बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठा होने जा रहे हैं, और उसी को लेकर जो है वो पुलिस की तरफ से अपने पुख्ता इंतजाम भी जो है वो किए गए हैं। पूरे मंडी शहर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, BNSS की धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। भीड़ जो है वो इकट्ठा करने पर प्रशासन की तरफ से मनाई की गई है। इसके साथ साथ मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी जो है वो अपील की है। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे जो है वो हिंदू संगठनों के लोग मंडी का जो शेरी मंच है वहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर एक पूरे शहर में जुलूस जो है वो यहाँ पर निकाला जाएगा। न्यूज 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। वीरेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हिंदूवादी संगठनों की मांग क्या है, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? देखिए, मंडी में जो मस्जिद बनी हुई है उसके अवैध निर्माण को लेकर सारा का सारा विवाद पनपा है। इस वक्त हम मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, सीधी तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो पिछले कल खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो है वो तोड़ा गया था, और विवाद ये इसी बात को लेकर है कि जो हिंदू संगठनों के लोग हैं उनका कहना है कि मस्जिद का जो ये बहुत बड़ा हिस्सा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, सरकार की निजी भूमि पर जो है, सरकारी भूमि पर जो है वो बनाया गया है। हालांकि अभी इसको तोड़ने का कार्यक्रम जो है वो पिछले कल मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने खुद शुरू कर दिया, और उनका कहना है कि प्रशासन के आदेशों पर वो ये सब कार्य जो कर रहे हैं ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द जो है वो बना रहे। लेकिन हिंदू संगठनों के लोगों का ये कहना है, जो हमें जानकारी मिल रही है, वो कह रहे हैं कि मस्जिद का सिर्फ जो हिस्सा तोड़ा जा रहा है वही अवैध तरीके से नहीं बना है, इसमें और भी बहुत सी कंस्ट्रक्शन ऐसी है जो अवैध तरीके से की गई है, इसलिए उस कंस्ट्रक्शन को भी जो है वो गिराया जाए। और इसी मांग को लेकर जो है वो हिंदू संगठनों के लोग आज जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और उसके लिए अगर हम बात करें, आपको दिखाना चाहें, यहाँ पर मस्जिद के बाहर पुलिस बल जो है वो पूरी तरीके से तैनात किया गया। हालांकि यहाँ पर पुलिस बल जो है काफी कम संख्या में, लेकिन सड़क आप देख सकते हैं, सड़क जो है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है और यहां पर किसी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं है। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दृश्य जो है वो दिखाऊं तो दूसरी तरफ आप दृश्य देखें, यहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर जो है वो ये स्कोडी ब्रिज है, जहां पर QRT की आपको पुलिस बल जो है वो देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल के जो है वो दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। हालांकि जो वज्र वाहन है
जिसे वज्र वाहन कहते हैं, जिससे बहुत तेज पानी की बौछारें जो है वो छोड़ी जाती हैं, वाटर कैनन की बौछारें छोड़ी जाती है, वो वज्र वाहन यहाँ पर स्पेशली पंजाब से जो है वो मंडी पुलिस ने मंगवाया है और 300 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये अगर आप आगे तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई है, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ तक आने की अनुमति होगी, मतलब अगर वो आना चाहेंगे तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि धारा जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो पहले 144 होती थी सीआरपीसी की धारा, उसके उसको जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया है और सारे प्रकार के धरना प्रदर्शन जो है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है और मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से जो है वो शांति बनाए रखने की अपील की है। तो इसके आगे जो है वो किसी प्रकार की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पुलिस बल यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो तैनात है और अधिकारी जो है बार बार यहाँ पर आकर मौके का जो है जायजा ले रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके अंकिता उसके अनुसार ये जो हिंदू संगठनों के लोग हैं ये तकरीबन 11 बजे शेरी मंच, यहाँ से तकरीबन आप मान के चलिए कि तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर शेरी मंच है और शेरी मंच पर ये सारे के सारे लोग जो है इकट्ठा होंगे। उसके बाद फिर इनका जो नगर निगम का कार्यालय है वहाँ पर जाकर जो है वो धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से आगे, यहाँ से मतलब 50 मीटर की दूरी पर जो है वो मस्जिद है, उस मस्जिद तक जो है वो जाने की मनाही है, वहाँ तक जो है वो लोग नहीं जा सकते। हालांकि मस्जिद को जो तोड़ने का काम पिछले का शुरू हुआ था, आज वो काम जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है। आज मस्जिद को तोड़ने का काम इसलिए नहीं किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट बात का जिक्र किया कि मुस्लिम भाइयों ने जो मस्जिद का अवैध हिस्सा था उसे तोड़ने के लिए खुद इनिशिएटिव लिया और ऐसे में हिंदूवादी संगठन ये कह रहे हैं कि कुछ और हिस्सा भी ऐसा है जो कि टूटना चाहिए, जो कि अवैध है। इस पर प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या आपकी प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई, क्या वाकई ऐसा हिस्सा है जो अभी टूटा जाना तोड़ा जाना चाहिए अवैध है? जी बिल्कुल, हमारी इस संदर्भ में जो डीसी मंडी है अपूर्व देवगन, उनके साथ जो वो बातचीत हुई थी और उन्होंने जो है वो मीडिया में अपनी जो है वो प्रतिक्रिया भी दी है। उनका कहना है कि नियमों के तहत जो है वो सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, डिमार्केशन प्रॉपर जो है वो यहाँ पर की गई। पिछले कल जो है वो राजस्व विभाग के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और मंडी जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी जो है वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर जो आकर जो है वो प्रॉपर डिमार्केशन की। डिमार्केशन में जो हिस्सा जो है वो उन्हें पाया गया कि ये सरकारी भूमि पर, लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बना है, उस हिस्से को उन्होंने तोड़ने के आदेश जो है वो जारी किए थे और कहा था कि अगर आप खुद तोड़ते तो ठीक है, अगर आप खुद नहीं तोड़ते हैं तो फिर इसको जो है प्रशासन द्वारा जो है वो तोड़ा जाएगा। तो फिर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने उस अवैध हिस्से को जो है वो तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब हिंदू संगठन इस बात को लेकर अड़े हुए हैं और उनका शायद कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो हिस्सा तोड़ा जा रहा है उसके अलावा भी और बहुत सा यहाँ पर जो है वो अवैध निर्माण हुआ है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि प्रशासन जो है वो उन्होंने प्रॉपर वहाँ पर एक डिमार्केशन कर दी है, निशान लगा दिए हैं और वहाँ तक हिस्सा जो है वो तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं और उस हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया पिछले कल से शुरू भी हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके आज हिंदू संगठन जो है वो, क्योंकि ये पहले से उनका प्रस्तावित था, जैसे उन्होंने 10 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था तो उन्होंने कहा था कि 13 तारीख को वो फिर से जो है वो मंडी में जो सड़कों पर उतरेंगे, तो उसी कॉल को हम कह सकते हैं कि आज उस कॉल को फॉलो किया जा रहा है और हिंदू संगठनों के बहुत से जो लोग हैं वो आज यहाँ पर मंडी में, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और तकरीबन 11 बजे जो है वो एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होंगे और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर कोई किसी प्रकार का उपद्रव होता है तो पूरे मंडी जिला में, जो मंडी शहर में जो है वो 300 के करीब पुलिस बल जो है इस वक्त तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है वो नाके लगाए गए हैं, जो भी वाहन आ रहे हैं उन वाहनों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, क्या उनमें किसी प्रकार के कोई डंडे हथियार या फिर कुछ इस प्रकार की सामग्री कोई नहीं लाई जाए ताकि जो है वो माहौल जो है वो खराब ना हो। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था जो है यहाँ पर देखने को मिली है प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से। इस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जो है वो पुलिस और प्रशासन तैयार है। जी एक बात की क्लैरिटी दीजिए, क्या अवैध निर्माण जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके डिमोलिशन का काम अभी रुका हुआ है या जारी है, और अगर रुका हुआ है तो क्या आपकी जानकारी है कि कब तक स्टार्ट होगा? जी बिल्कुल अंकिता, जो डिमोलिशन का काम है, जो मतलब उसको भवन को गिराने का काम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो था उसमें एक दीवार एक टॉयलेट है उसको जो गिराने का काम है वो आज रुका हुआ है। आज वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और शायद हो सकता है कि मस्जिद तक ना जाएं, तो इसलिए बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या मस्जिद में जो लोग रहते हैं वहाँ पर नमाज वगैरह अदा करते हैं उन सब लोगों को आज वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें अपने घरों पर ही रहने के लिए कहा गया और सारी सारी मस्जिद को जो वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, वहां पर जो वो पुलिस ने अपना पहरा बिठा दिया है। इसलिए जो वहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्य पिछले कल चला था वो काम आज रुका हुआ है। लेकिन ये जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही यहां से जब ये सारा प्रोटेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब भीड़ चढ़ जाएगी, तो उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से जो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम चला हुआ था उस काम को जो वो दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। जी अंकिता, काफी समय से आप मंडी कवर कर रहे हैं, कितनी पुरानी ये मस्जिद है और कितना पुराना ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है वो है?
देखिए, अगर मस्जिद की बात करें तो मस्जिद काफी समय पुरानी है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद हाल फिलहाल में बन गई है। मस्जिद का जो है वो काफी लंबा इतिहास रहा है। पहले हालांकि किसी मुस्लिम परिवार के नाम पर जो है ये सारी की सारी जमीन जो है वो हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने फिर जो है वो मस्जिद के नाम पर इस जमीन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया। मस्जिद के नाम पर यहाँ पर कागजों में जमीन है, वहां पर उसमें रजिस्ट्रेशन जो कागजी तौर पर अगर हम बात करें तो वहां पर मस्जिद की जमीन का हक है, वहां पर मतलब कागजों में वो सारी चीज है। लेकिन आरोप ये है और विरोध इस बात को लेकर है कि मस्जिद ने अपनी मलकियत भूमि के अलावा जो और सरकारी भूमि साथ लगती थी उस भूमि पर भी अवैध तरीके से कब्जा करके रखा और वहां पर जो है वो मस्जिद का विस्तार किया एक तरीके से। इसी बात को लेकर जो है वो हिंदू संगठनों के लोग विरोध जता रहे हैं कि जो अवैध तरीके से मस्जिद का हिस्सा बना है उसको तोड़ा जाए। और ये मुद्दा उठा कहां से अंकिता, ये भी मैं आपको बता दूं कि लोगों जब इस मस्जिद में जो है जो पुराना ढांचा था उसको गिराकर यहां पर नए ढांचे का निर्माण किया जा रहा था, तो टीसीपी के जो रूल बोलते हैं शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार से आप घरों का निर्माण करते हैं तो आपको टीसीपी से अनुमति लेनी होती है। उस अनुमति में आपको लोक निर्माण विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, जल शक्ति विभाग हो गया, नगर निगम हो गया और जो विभाग होते हैं उनसे एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन यहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो है वो एनओसी देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से पता था कि उनकी निजी भूमि उनकी सरकारी भूमि पर जो है यहां पर मस्जिद का जो है काफी हिस्सा बना हुआ है। तो उसके बाद जब एनओसी नहीं मिली और शिमला वाला जब विवाद शुरू हुआ तो उसके बाद फिर मंडी में भी जो है इस बात को लेकर जो वो लोग सड़कों पर उतरे और ये मांग उठाई कि इस मस्जिद का जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए। मस्जिद का अपना मलकियत भूमि है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो सरकारी भूमि है उस पर भी कब्जा किया गया है। जी, क्या इस बात को वीरेंद्र इंश्योर किया जा रहा है कि संजौली में जो हालात हमने देखे वो मंडी में ना बने? देखें, वही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, मैं आपके साथ साथ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है, सारी बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग इस प्रकार से की गई है कि पुलिस की अपनी ये कहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जिस प्रकार के हालात शिमला में देखने को मिले उसके बाद मंडी पुलिस ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सबक जरूर लिया है, इसलिए अपनी जो सुरक्षा के इंतजाम है उन्हें और ज़्यादा पुख्ता जो है वो यहाँ पर किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया अंकिता कि पूरे मंडी शहर में तकरीबन 300 से अधिक पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। यहाँ पर बैरिकेटिंग की है, नगर निगम का जो कार्यालय वहां पर पुलिस जो है वो तैनात है, सेरी मंच वहां पर पुलिस तैनात है, मंडी शहर के ले आने वाले जितने भी रास्ते हैं चाहे वो जोगिंदर नगर से होकर रास्ता आता है, कुल्लू मनाली से आता है, चंडीगढ़ से आता है या अन्य जगहों से जहां से रास्ते आते हैं वहां पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले वाहन की जो है वो बाकायदा प्रॉपर पूरे तरीके से चेकिंग की जा रही है। अंकिता, पुलिस का दावा है कि यहाँ पर हमारे पुख्ता इंतजाम है। शिमला में भी शायद इसी प्रकार का दावा पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया गया था, लेकिन ये दावा हकीकत में साबित होता है या नहीं होता है ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आंदोलन है, प्रदर्शन है, आपने कोई बात रखनी है आप उसे शांतिपूर्ण तरीके से रखें, जिस प्रकार की प्रशासन ने भी अपील की है। और इनका कहना है कि अगर कोई उपद्रव करता है तो धारा 163 BNS की जो धारा है वो लगा दी गई है, उपद्रव करने वालों के खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम बातचीत के लिए।